हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक देख रहे हैं ईडियम मैनुफेरेज। एड है तो पहला जो ईडियम से हुआ है चिकन हटर। चिकन हटर मतलब होता है डरपोक। अगला चाइल्ड प्ले। चाइल्ड प्ले मतलब आसान कार बोल सकते हैं। अगला चिंकिन वंश आर्मर मतलब एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष या कमजोरी भी बोल सकते हैं, जो छोटा। अगला चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब माता पिता की तरह। यहाँ अगला चीप ऑन वन शोल्डर मतलब छोटी छोटी बात पर लड़ने को उतार, उसको बोलते हैं चीप ऑन वन शोल्डर। अगला क्लास एक्ट मतलब निपुण गुणों में असाधारण, उसको बोलते हैं क्लास एक्ट। अगला क्लीन हैंड्स मतलब निर्दोष। क्लीन हैंड मतलब निर्दोष। अगला क्लीन स्वीप मतलब स्पष्ट विजय। अगला क्लियर द डेस्क मतलब किसी बड़ी चीज़ की तैयारी में छोटे काम को रोक देना यानी जल्दी में भाग जाना, उसको बोलते हैं क्लीन द डेक। अगला क्लिफ हैंगर मतलब रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा अंतिम समय तक स्पष्ट नहीं, उसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर। अगला क्लोज कॉल मतलब क्लोज सेव। अगला क्लिप वंस बिंग्स मतलब किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना, उसको बोलते हैं क्लिप वंस बिंग। अगला क्लॉक एंड डैगर। डैगर मतलब गुप्त एवं षड्यंत्र से भरा। अगला क्लोज फिस्टर मतलब कंजूस। अगला क्लोज सेव मतलब दुर्घटना से बाल बाल बचना। अगला क्लाउड नाइन मतलब अति आनंदित। अलग कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब झूठी कहानी मनगढ़ंत कह सकते हैं। अलग कोल्ड फिट मतलब आत्मविश्वास की कमी कार्य को करने में। आगे अगला जो कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब किसी के प्रति जानबूझकर अनफ्रेंडली या अनकोऑपरेटिव होना। अलग कोलेट्रल आम लोगों की या भावनाओं के क्षति। कम एक क्रॉपर मतलब असफल होना। कम क्लीन मतलब गलती अपराध अस्वीकार कर लेना, स्वीकार करना अस्वीकार नहीं स्वीकार करना। अलग कम फुल सर्किल मतलब वहीं अंत होना जहां से शुरू हुआ था। कम हिल और हाई वाटर मतलब किसी भी परेशानी या कठिनाई के बावजूद। कम ऑफ एज मतलब पूर्ण विकसित होना। कम टू ए हेड मतलब चरम बिंदु पर पहुंचना समस्या का। कम टू ए स्टैंड स्टिल मतलब पूरी तरह स्थगित शिथिल या गतिहीन हो जाना। कम टू ग्रीफ मतलब मुश्किल में पड़ जाना असफल हो जाना। कम टू लाइट मतलब उजागर होना पता चलना। कुक संबंध घुस मतलब किसी की योजना को बर्बाद कर देना। अलग कुक द बुक मतलब झूठा अकाउंट बनाना टैक्स बचाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए। कूल एस एक ककंबर मतलब कभी मानसिक संतुलन नहीं खोने वाला या नाराज नहीं होने वाला। कोस्ट एंड आम एंड लेक बहुत अधिक महंगा। कॉच पोटैटो एक निष्क्रिय व्यक्ति जो टेलीविजन देखते रहता। क्रैक ऑफ डाउन मतलब एकदम सुबह सुबह। क्रैक संबंध मतलब किसी को बुरी तरह हंसाना। क्रिएचर कम्फर्ट्स मतलब सुविधा या आराम की चीज़ें। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठी संवेदना या सहानुभूति। क्रॉस वंस फिंगर मतलब किसी चीज़ को होने की बेचैनी से प्रतीक्षा करना। क्रॉस स्वॉर्ड मतलब दुश्मनी मोल लेना। क्रंच टाइम मतलब निर्णायक क्षण। क्राई फॉर द मून मतलब पूरा होने में संभव मांग करना। क्राई इन द वाइल्डनेस मतलब कोई ऐसी अभिव्यक्ति जिस पर ध्यान देने वाला कोई ना हो। क्राई वंस आइस आउट मतलब बुरी तरह रोना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना। अलग क्राई वुल्फ मतलब हवा, झूठा हवा खड़ा करना। अलग कुको इन द नेस्ट मतलब भीड़ से अलग। अलग कर्जल वंस ब्रेन मतलब सोचने समझने की पूरी कोशिश करना। अलग करी फेवर मतलब चपलूसी करके अपना काम निकालना। अलग कर्टन लेक्चर मतलब पत्नी के दांत। कसी जोप मतलब आरामदायक एवं लाभकारी पेश। कट ए रैग मतलब नृत्य करना। कट सॉरी फिगर मतलब बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म करना। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें।